Hello student, today I am going to discuss part 3 of biomolecules. In this part we will discuss about the lipids or fats. Lipids include the cooking oil, butter, ghee, waxes, cholesterol, etc. They are nonpolar and insoluble in water. They dissolve in nonpolar solvents like ether, chloroform, acetone and benzene. Because nonpolar solute can be dissolved only in nonpolar solvents, and water is a polar solvent, so this nonpolar lipid cannot be dissolved in water, so it is insoluble in water, whereas it can be dissolved in nonpolar organic solvents like ether, chloroform, acetone and benzene. Next is classification of lipids. First one is the simple lipids. These are the esters of fatty acid with various types of alcohols. They are of two types, neutral or true fats. These are the esters of fatty acid with glycerol. These are called glycerides. Next is waxes. These are the esters of fatty acid with alcohol other than glycerol. या जो न्यूट्रल फैट है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में एक एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इससे बनता है. वैक्सेस भी फैटी एसिड और अल्कोहल से ही बनते हैं, लेकिन ये ग्लिसरॉल के अलावा बाकी किसी भी अल्कोहल के साथ अगर फैटी एसिड कंबाइन हो रहा है तो उससे वैक्सेस प्रोड्यूस होंगे. और ग्लिसरॉल के साथ अगर फैटी एसिड कंबाइन होता है, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो उससे ट्रू फैट्स या लिपिड फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट इज द कंपाउंड और कंजुगेटेड लिपिड्स. दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एल्कोहल बट ऑल्सो कंटेन सम अदर सब्सटेंसेस. यहाँ पर लिपिड प्लस सम अदर सब्सटेंस, इसीलिए इसको कंजुगेटेड लिपिड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन फॉस्फोलिपिड्स विच हैव ए नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, ए फॉस्फेट ग्रुप इन एडिशन टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. तो किसी भी लिपिड के साथ अगर फॉस्फेट अटैच है तो उसको हम फॉस्फोलिपिड कहेंगे. किसी भी लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो उसको ग्लाइकोलिपिड कहेंगे. इसी तरह लाइपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन एक दूसरे से कंजुगेटेड हैं तो इसको कंजुगेटेड लिपिड या लाइपोप्रोटीन कहेंगे. क्यूटीन और सुबेरिन, दे आर ऑल्सो लिपिड कंटेनिंग कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज न्यूट्रल और ट्रू फैट्स और ग्लिसराइड्स. कंपोजिशन, द न्यूट्रल और ट्रू फैट्स आर कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ए फैट मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, ए मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल कॉल्ड ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड which is a carbon chain with carboxylic group at one end. So when fatty acid combines with glycerol, a fat or lipid is formed. So first component is the glycerol. A glycerol molecule has three carbon, each bearing a hydroxyl group. Here you can see it's a molecule of glycerol, and to each carbon a molecule of hydroxyl group is attached. So it's a molecule of glycerol in which three hydroxyl group are attached to the three carbon of the chain. Next is fatty acid is an unbranched chain of carbon atom forming four bonds to other atom. बिकॉज कार्बन टेट्रावेलेंट होता है तो ये किसी भी चार एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. इट हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन एंड एंड हाइड्रोजन चेन बॉन्डेड टू द ऑल अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग ए हाइड्रोकार्बन चेन. द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉन पोलर, दैट्स वाई दे डज नॉट डिजॉल्व That's why they do not dissolve in water.
The carboxylic group gives its acidic property. For example, it is known as palmitic acid. So this acidic group or characteristic is provided by the carboxylic group present in the chain of fatty acid. फैटी एसिड चेन में कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है और एक एंड पर कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. ये कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप है, बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होते हैं. ये हाइड्रोजन की जो चेन है ये नॉन पोलर होती है, इसीलिए एक पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में ये इनसॉल्युबल होती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, इनके अंदर ये सॉल्युबल होती है. और जो एसिडिक प्रॉपर्टी है इट्स बिकॉज ऑफ कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ फैट्स. थ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ज्वाइन विद द कार्बोऑक्सिलिक ग्रुप ऑफ द थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल टू फॉर्म ए फैट ग्लिसराइड मॉलिक्यूल. द केमिकल लिंकेज बिटवीन ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड. It results from the elimination of three molecules of water. Here you can see it's a glycerol and fatty acid. At one end of the fatty acid, COOH group is present. Here you can see that OH group of the glycerol and hydrogen of the carboxylic group together forms a molecule of water. Similarly here, अगर एक चैन इससे ऐड हो रही है तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा, लेकिन अगर तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप से तीन फैटी एसिड की चेन ऐड हो रही हैं तो टोटल जो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे वो तीन होंगे. यहाँ पर यहाँ से एक मॉलिक्यूल इधर से रिलीज होगा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ, तीसरा यहाँ. इसके अलावा ये जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है अल्कोहल और कार्बोऑक्सिलिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं. तो इस रिएक्शन को हम एस्टरिफिकेशन कहेंगे. ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है जहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड. इस बॉन्ड को हम एस्टर बॉन्ड कहेंगे क्योंकि ये बॉन्ड एक अल्कोहल और कार्बोऑक्सिलिक एसिड के बीच में ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है. तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल होगा ये एक ग्लिसराइड मॉलिक्यूल होगा. ये एक मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है अगर सिर्फ एक फैटी एसिड की चेन ग्लिसरॉल से अटैच हो रही है, यानी ये वाले मॉलिक्यूल अगर नहीं है उसमें तो मोनोग्लिसराइड होगा. अगर दो फैटी एसिड की चेन इसमें ऐड हो रही हैं तो दो वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे और जो मॉलिक्यूल होगा वो डाइग्लिसराइड होगा. और अगर तीन फैटी एसिड चेन अटैच होंगे तो तीन वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल होगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फैट. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. In unsaturated fatty acid, all the carbon atoms are interlinked by single bonds and each carbon atom carries a hydrogen atom. They cannot take up any more hydrogen. क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ये single bond present हैं और क्योंकि carbon tetravalent होता है already ये four atom के साथ bonding कर रहा है तो इसमें no more हाइड्रोजन कैन बी एडेड. दैट्स वाई दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. ये एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये स्ट्रेट चेन होते हैं. इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. दे गिव जनरल फॉर्मूला CnH2nO2. दे इंक्लूड पामिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड. Next is unsaturated fatty acid. In unsaturated fatty acid, two adjacent carbon atoms at one or more places lack hydrogen atom and are interlinked by double bond.
they can take up additional hydrogen. That's why they are unsaturated fatty acid. This includes 18 carbon oleic acid, linoleic acid, and 20 carbon arachidonic acid. The unsaturated fatty acid have lower melting point and are liquid at room temperature. तो unsaturated fatty acid क्या होंगे? जहां पर कम से कम एक या एक से ज्यादा double bond अगर present हैं, तो इस तरह के fatty acid को हम unsaturated fatty acid कहेंगे, क्योंकि यहां पर दो hydrogen के atom और add हो सकते हैं, या कोई दूसरे atom यहां पर और add हो सकते हैं, इसलिए इसको unsaturated fatty acid कहते हैं. दूसरी चीज कि unsaturated fatty acid have band or kink at each double bond. The kink makes the fatty acid more disordered and hence more fluid at room temperature. यहां आप देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट चेन है, जहां तक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी स्ट्रेट, लेकिन जहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहां पर ये बैंड हो गया है. तो इस बैंड को हम किंक कहते हैं कि हाइड्रोकार्बन चेन में जहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है वहां पर एक बैंड आ जाता है और किंक आ जाता है, और ये बैंड या किंक की वजह से जो चेन है वो ज्यादा डिसऑर्डर्ड हो जाती है एंड दे आर मोर फ्लूइड एट रूम टेम्परेचर. इज फंक्शंस. फर्स्ट फंक्शन इज द रिजर्व फूड मटेरियल. Whenever we take extra food, it is converted either into glycogen stored into liver and muscles, or it is converted into fat and stored in adipose tissues. Adipose tissues के अंदर जो adipose cells होते हैं उनके अंदर fat store हो जाता है. तो fat या lipid एक storage material है. Fuel, there are two energy giving compound in a body or in the body of different type of animals. One is carbohydrate and other is fat. So fat can be oxidized to produce fuels. Insulation coat. The subcutaneous fat which is present just below the skin, it acts as an insulation. The heat cannot pass through the layer of fat, so it works as insulation coat. Shock absorbing coat. It is present around so many vital organs, acts as a shock absorbing coat. Improvement of physique. The smooth physique, जो हमारे body का एक smooth structure है, वो fat की वजह से है. Fat provides a smooth physique to our body. Source of water. When oxidation of fat takes place, it produces water. For example, in case of camel, in the hump of the camel, fat is stored. But when this fat is oxidized, it provides water to the camel,